तो आज हम एसएस राजामौली के फादर, पिताजी और इंडियन सिनेमा के एक बहुत ही बेहतरीन राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद की आने वाली मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे केवी विजेंद्र प्रसाद इंडियन सिनेमा के एक बहुत ही कमाल के राइटर हैं, जो कि RRR, बाहुबली, बजरंगी भाईजान, मगधीरा जैसे शानदार फिल्मों की कहानी लिख चुके हैं। इनकी फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर भूचाल लाती है। एसएस राजामौली की ज़्यादातर फिल्मों की कहानी यही लिखे हैं। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं इनकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। वैसे इनकी 7 बड़ी फिल्में आने वाली है। लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। राठौर, विक्रम राठौर। नंबर 1 पे SSMB 29। ये फिल्म इंडियन सिनेमा की आने वाली सबसे मच अवेटेड फिल्म है। ये फिल्म एक जंगल एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म की कहानी केवी विजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्केल पर शूट किया जाएगा। इस फिल्म का टाइटल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बिग बजट फिल्म को SS राजामौली डायरेक्ट करेंगे और ये राजामौली की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है RRR के बाद। ये फिल्म में सुपरस्टार महेश बाबू लीडिंग रोल में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में महेश बाबू के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के रोल में दीपिका पादुकोण नजर आ सकती हैं। वैसे इस फिल्म के राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि SSMB 29 एक फ्रेंचाइज फिल्म होगी, जो कि मल्टीपल पार्ट्स में आने वाली है, यानी कि इसका बहुत सारा पार्ट आने वाला है। ये फिल्म इंडियाना जोन्स की तरह एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। इस फिल्म की शूटिंग इस साल के एंड से शुरू हो जाएगी और ये मच अवेटेड फिल्म हम सभी को 2025 तक देखने को मिलेगी। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं KL नारायण और ये फिल्म दुर्गा आर्ट्स के बैनर तले तैयार होगी। नंबर 2 पर राउडी राठौर 2। ये फिल्म 2012 में आई, राउडी राठौर का सीक्वल होगी। ये फिल्म अक्षय कुमार की करियर की उन फिल्मों में से है जो कि रीमेक होने के बाद भी जोरदार कलेक्शन की थी और एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। ये फिल्म 60 करोड़ के बजट पर बनने के बाद 2012 में 281 करोड़ का शानदार कलेक्शन की थी। राउडी राठौर 2 फिल्म में अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा ही दिखाई देने वाली हैं मेन लीड में। ये फिल्म में हमको एकदम नई कहानी देखने को मिलेगी। जी हाँ, राउडी राठौर जहाँ से खत्म हुई थी वहाँ से ये फिल्म कंटिन्यू नहीं होने वाली है। राउडी राठौर 2 फिल्म में हमको एकदम फ्रेश स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन फिल्म में अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा अपने सिवा और पारो के ही कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म जल्दी ही फ्लोर पर जाने वाली है और ये बड़ी फिल्म हम सभी को 2024 तक देखने को मिल सकती है। नाम सुनते ही में भूकंप आ गया ना। 1770। ये फिल्म में RRR की तरह एक बड़ी फिल्म होगी। ये फिल्म एक बड़ी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को केवी विजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। फिल्म को अश्विन गंगा राजू डायरेक्ट करेंगे। ये SS राजामौली को ईगा और बाहुबली जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में असिस्ट कर चुके हैं। ये फिल्म बंकिम चंद्रा चटर्जी की बंगाली नॉवल आनंद मठ पर बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म में सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी थी, कैसे उनका सामना किया था, यही सब दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसका मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है, जो कि देखने में काफी दमदार लग रहा है। ये फिल्म टोटल 6 भाषाओं में रिलीज होगी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और बंगाली। 1770 फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में एक साथ शूट किया जाने वाला है और इस फिल्म का डब वर्जन कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली भाषा में आने वाला है। ये फिल्म 2024 तक आने वाली है। इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर होंगे उससे रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ बहुत बड़ी बड़ी अपडेट देता रहता हूँ। अरे भाई साहब कितनी, अरे यार इतनी अपडेट देता हूँ, इसलिए फॉलो कर लो। नंबर 4 पे पवन पुत्र भाईजान। ये फिल्म 2015 में आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 969 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन की थी। बजरंगी भाईजान फिल्म का सीक्वल होगी। बजरंगी भाईजान की प्यारी सी कहानी ने सभी का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से काफ़ी कमाल का रिस्पॉन्स मिला था। बजरंगी भाईजान का दूसरा पार्ट भी आने वाला है, ऐसा केवी विजेंद्र प्रसाद कन्फर्म कर चुके हैं और सलमान खान भी इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं। And now he's written part 2. Wow! बजरंगी भाईजान के दूसरे पार्ट का टाइटल
पवन पुत्र भाईजान होगा। इस फिल्म में सलमान खान लीडिंग रोल में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी प्लस इसका प्लॉट सलमान भाई को काफ़ी पसंद आया है। पवन पुत्र भाईजान फिल्म की कहानी में 8 से 10 साल का लीप आएगा, यानी कि इस फिल्म में हमको 8 से 10 साल आगे की कहानी देखने को मिलेगी। ऐसा इस फिल्म के राइटर KV विजेंद्र प्रसाद ने खुद इस बात को कन्फर्म किया है। पवन पुत्र भाईजान फिल्म को कौन डायरेक्ट करेगा ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। पहली फिल्म को कबीर खान डायरेक्ट किए थे, तो देखते हैं दूसरे पार्ट को कौन सा डायरेक्टर डायरेक्ट करता है। ये फिल्म 2024 नहीं तो 2025 तक आने वाली है। इसके अम्मे अब्बू को ढूंढोगे कैसे? बजरंगबली मदद करेंगे ना, पाकिस्तान में भी। नंबर 5 पे सीधा द इनकार्नेशन, ये फिल्म भी एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को भी KV विजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। इस फिल्म में कंगना रनौत दिखाई देने वाली है माता सीता के रोल में। फिल्म में हमें माता सीता की अनकही कहानी दिखाई जाने वाली है। इस फिल्म को अलौकिक देसाई डायरेक्ट करेंगे। फिल्म में डायलॉग और लिरिक्स मनोज मुंतासिर का होगा। ये फिल्म 2024 तक आने वाली है। ये फिल्म एक बड़ी एपिक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म को भी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 6 पर RRR 2, RRR फिल्म का भी सिक्वल आने वाला है। ऐसा इस फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली कह चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मेरे फादर KV विजेंद्र प्रसाद RRR 2 फिल्म की स्टोरी पर काम कर रहे हैं और वो कुछ आइडियाज भी लॉक कर चुके हैं। मतलब RRR 2 फिल्म भी आने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म 2022 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म RRR फिल्म का सिक्वल होने वाली है। ये फिल्म ऑडियंस को कितना ज़्यादा पसंद आई थी ये आप सभी को मालूम है। RRR 2 फिल्म में हम सभी को जूनियर NTR और रामचरण ही दिखाई देने वाले हैं। फिल्म को आने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि इस फिल्म से पहले SS राजामौली, रामचरण, जूनियर NTR की बहुत सारी फिल्में आने वाली है। ये फिल्म 2026 तक आ सकती है। नंबर 7 पे महाभारत, ये डायरेक्टर SS राजामौली का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाहुबली के जोरदार सफलता सक्सेस के बाद डायरेक्टर SS राजामौली कहे थे कि वो महाभारत पर बड़ी फिल्म लाने वाले हैं। ये फिल्म टोटल 3 पार्ट्स में आने वाली है, यानी कि ये एक ट्रायलॉजी होने वाली है। इस फिल्म की कहानी पर KV विजेंद्र प्रसाद और SS राजामौली काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। इस फिल्म को काफ़ी बड़े लेवल पर बनाया जाएगा। फिल्म का बजट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस फिल्म में हमको बाहुबली और RRR के लेवल का ग्रैंड विजुअल देखने को मिलेगा। इस फिल्म में साउथ और बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म से पहले राजामौली 3 से 4 फिल्में बनाने वाले हैं, फिर उसके बाद ये फिल्म पर वो काम शुरू करने वाले हैं। ऐसा डायरेक्टर SS राजामौली खुद कह चुके हैं। तो ये थी राइटर KV विजेंद्र प्रसाद की आने वाली सारी की सारी फिल्में। तो आप सभी लोग इस फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर बताना है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सभी को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप सभी को लिखकर बताना है। यहाँ पर क्लिक करके आप सभी लोग बहुत सारी अपकमिंग मूवी की जानकारी ले सकते हो। शुक्रिया।